वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभात सिंह ने गोलघर स्थित जटेपुर पुलिस चौकी पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त एवं जाम की स्थिति से निपटने के लिए तथा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठक कर वहां के व्यापारियों से मिले सुझाव पर विचार किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभात सिंह ने बताया कि यहां के व्यापारियों से कहा गया है कि गोलघर में बने हुए पार्किंग में वाहनों को खड़ा करें ताकि रोड पर लोगों को चलने में असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि दुकानदार भी अपनी गाड़ियों को पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करें तथा जो अनावश्यक रूप से गाड़ियां रोड पर खड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चालान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने पार्किंग स्थल के लिए पास की व्यवस्था करने की बात कही है। बैठक में गोलघर के व्यापारीगण तथा ट्रैफिक के सीओ जेपी सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर इख्तियार अहमद अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभात सिंह ने कहा, 80% बंदे प्लाजा खड़ी है, कोई गली में ना, 80% इधर इधर गली में जो है वो सब कीड़ा के फैक्ट्री और उसके हिसाब की गाड़ियां है। ये कौन है, मतलब मंडी में जाने वालों की गाड़ी बात ये ना कि जब आप अपनी मोटर जाके यहां लगा देंगे तो कस्टमर तो सब आ ही जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज बड़ी भारी समस्या है, अब इसको कैसे हल करना है। ये घर में है, वहाँ 250 रुपए में टू व्हीलर की, अगर तो प्रशासन सहयोग करेगी तो क्यों नहीं दिखाएंगे। आपको एकदम फ्री दिखाई देगा फिर, और दूसरा नो वेंडिंग जोन हो जाए, इतने से आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। नो वेंडिंग जोन तो वैसे तो पता था, लेकिन जो आप लोग शॉप के सामने, आपका मतलब है शॉप के सामने लोग लगा के घूम रहे हैं, ठेले तो आना ही नहीं अलाउड करना चाहिए। यार ठेले तो नहीं चल रहे, ये आज शाम को जटेपुर चौकी में गोलघर के जो व्यापारी बंधु हैं उनके साथ बैठक की गई। उनके साथ यातायात के संदर्भ में कैसे यहाँ के जो गोलघर है उसको यहाँ पे व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से यहाँ से जो लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो मल्टी लेयर पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ पार्क करें ताकि सड़कें फ्री रहें और आम लोग इस पर चल सकें यहाँ पर, ताकि किसी को किसी पर कोई असुविधा ना हो, इसी संदर्भ में बैठक की गई थी एक प्रोत्साहन के तौर पर कि वो अपना खुद की भी गाड़ियाँ, अपने कर्मचारियों की गाड़ियाँ और जो उनके शॉप पे लोग खरीदारी करने आ रहे हैं उनको भी वो जागृत करें, उनको बोलें टोकें कि वो अपनी गाड़ियाँ पार्किंग स्थल पे खड़ी करें ताकि गोलघर व्यवस्थित हो सके और साफ हो सके। इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं और जो यहाँ पे वेंडर्स थे उनको नगर निगम में नगर आयुक्त के द्वारा स्थान भी दिया गया था और लगातार कार्रवाई के जरिए इसको अनुपालन कराया जा रहा है। मैम व्यापारी की तरफ से किस तरह की शिकायत आई है? व्यापारियों ने जो उनका जो रुख था वो बहुत ही सपोर्टिव रहा है और उन्होंने कुछ हम लोगों को सजेशंस भी दिए, मल्टी लेन पार्किंग वाला स्टार्ट हो जाए तो फिर उन सजेशंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं बातचीत करूंगी जो अथॉरिटीज़ है और जल्दी ही इसमें पास की व्यवस्था करवाएंगे हम लोग अथॉरिटी से बात करके, और उसके बाद हालात सुधरने की उम्मीद है।